नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल सरकार के सब्र का बांध टूट चुका है क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री विवाद अब और गहरा गया है। तो इसी बीच कंपनी पर कार्रवाई करने के संकेत सरकार ने दिए हैं। तो क्या ये तमाम खबर रहने वाली है आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो हिमाचल सीमेंट फैक्ट्री विवाद और गहराया, सरकार के सब्र का बांध टूटा, ट्रक ऑपरेटरों के समर्थन में आए सीएम, कंपनी पर कार्रवाई के संकेत। हिमाचल सीमेंट फैक्ट्री विवाद और गहरा गया है। विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रही सुखू सरकार के सब्र का बांध अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले कल मुख्यमंत्री के साथ हुई दूसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। इसके बाद मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने संकेत दे दिए हैं कि सरकार सीमेंट विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की पक्षधर है। इसके बावजूद अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार स्थानीय लोगों और ट्रक ऑपरेटरों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। वहीं इसके अतिरिक्त अंबुजा और एसीसी सीमेंट प्लांट विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के साथ पिछले कल दूसरे दौर की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सरकार ट्रक ऑपरेटरों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी और वह उनके साथ है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकले ताकि हजारों लोगों की रोजी रोटी पर किसी तरह का संकट नहीं आए। हालांकि इस बैठक में सिर्फ ट्रक ऑपरेटर आए, सीमेंट कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित नहीं था। इधर ट्रक ऑपरेटरों ने अपनी मांग को जायज बताते हुए सरकार से ढुलाई की दरों को तर्कसंगत निर्धारित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। ट्रक ऑपरेटरों ने 4 फरवरी को चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि इस विवाद के पीछे का क्या कारण है। तो कंपनी डबल डिजिट में माल भाड़ा देने को तैयार नहीं है। कंपनी 6 रुपये माल भाड़ा देने पर अड़ी है। ट्रक ऑपरेटर माल भाड़े को 12 रुपये दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री विवाद और गहराता चला जा रहा है। तो इसी बीच इन ऑपरेटरों ने 4 फरवरी को चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। इसके अतिरिक्त सरकार भी अब इन ऑपरेटरों के पक्ष में आ गई है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।